चार लगता गुना आठ। ठीक है, इसमें देखो एक क्या होगा, यहाँ से एक वायर लेंगे, वायर ले लो या फिर एक आप ब्लॉक ले लो। इस ब्लॉक में जो यहाँ से टेम्परेचर होगा, यहाँ से क्यू हीट जाएगी और यहाँ से क्यू हीट निकल जाएगी। ठीक है, एरिया इसका जो एरिया होगा ये ए होगा, ये भी यहाँ से ए है, एरिया सेम सेम रहेगा। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो यहाँ से हीट क्या होगी, पास होगी और यहाँ से हीट ऐसे के पास होगी। अब इसमें जो उसमें चालकता गुणांक, इसमें क्या होता है कि जो आपकी हीट है या क्यू, ये अनुक्रमानुपाती होती है किसकी, प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। वहाँ का जो एरिया होगा उसके पूरे के पूरे, ये जो हीट है इधर मूव करेगी, ऊपर नीचे पूरे सराउंडिंग में मूव होगी। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इसमें लॉसेस भी होंगे हीट के, थोड़े हीट लॉसेस भी होंगे इसमें थोड़े यहाँ से। और मतलब जैसे हीट आपका यह पास हो गया, आपने इसको हीट किया हुआ है, ये एक रोड है यहाँ पे, ये रोड है, इसको आपने हीट किया। जैसे ये हीट करोगे तो फिर वो हीट ऐसे फ्लो होगी यहाँ से यूँ उच्च से निम्न की ओर। जब उच्च से निम्न की ओर होगी तो ऐसा नहीं कि वो सीधी सीधी चलेगी, वो इधर सराउंडिंग में भी थोड़ी थोड़ी हीट होगी। समझे ना आप इस बात को? ठीक है, देखो यहाँ से हीट प्रोपोर्शनल इसके, अब जो हीट है वो प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है यहाँ तक। ठीक है, ये हीट। अब यहाँ जो टेम्परेचर था आपका, मान लो आपने यहाँ थीटा वन टेम्परेचर लिया हुआ है, यहाँ टेम्परेचर है थीटा टू। अब इसके दोनों के अंतर के बराबर जो हीट है आपकी, यहाँ से प्रोपोर्शनल होगी थीटा वन माइनस थीटा टू के बराबर। ठीक है, अब जो हीट है वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब वन अपॉन एल के, तो यहाँ से हीट होगी एंटी प्रोपोर्शनल वन अपॉन लेंथ के। अब देखो इसको ज्वाइंट कर देंगे हम, यहाँ से पूरा का पूरा ये जो ये है सेम, ये आ गया आपका क्यू प्रोपोर्शनल यहाँ से ए टी, ए टी थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। अब आप इसको यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या यूज करोगे, क्यू इक्वल टू के ए टी थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। ये जो है ये है आपका हीट कोफिशिएंट या फिर उसमें चालकता गुणांक, हीट कोफिशिएंट, हीट कोफिशिएंट। ठीक है, उसमें चालकता